गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ चैप्टर 12 ऑफ इंग्लिश फर्स्ट, द टॉर्न पेंटिंग, यानी फटी हुई टॉर्न कहते हैं फटे हुए को, टीयर की सेकेंड फॉर्म है टॉर्न, फटी हुई पेंटिंग, पेंटिंग तस्वीर। वंस देयर वॉज अ किंग हु लव्ड टू स्पेंड हिज फ्री टाइम इन पेंटिंग। एक राजा था जो अपना फ्री टाइम यानी जो उसका खाली समय था वो किस में व्यतीत करता था, अपना पेंटिंग करने में। Once he went on a hunting trip. एक बार वह जो है शिकार के लिए गया। After hunting for some time, he got tired. थोड़ी देर hunting करने के बाद यानी शिकार करने के बाद वह जो है थक गया। So he took his canvas, colors and paint brushes and went up a small hill. इसलिए उसने क्या किया, अपना canvas लिया, canvas जिस पर यानी painting बनाते हैं, ठीक है, अपने कलर लिए, पेंट ब्रश लिए यानी जिन वो ब्रश लिए जिनसे पेंट करता है, और कहाँ चला गया, एक छोटी सी हिल पर, पहाड़ी पर गया। फ्रॉम देयर सी सॉ अ ब्यूटिफुल साइट ऑफ सनसेट, और वहाँ से उसने क्या देखा, एक सुंदर सूर्य अस्त होता हुआ, सूरज छिपता है उस समय का दृश्य उसने देखा। ही स्टार्टेड पेंटिंग इट, और उसने क्या करा, पेंटिंग करनी शुरू कर दी। सून ही हैड कम्प्लीटेड द पेंटिंग, जैसे ही उसकी पेंटिंग पूरी हुई, ही स्टार्टेड एडमायरिंग हिज वर्क फ्रॉम साइड टू साइड, उसने क्या शुरू कर दिया, अपनी तस्वीर को, अपना जो काम था उसका, हिज वर्क क्या काम था उसका, वो पेंटिंग जो उसने बनाई थी उसको साइड टू साइड यानी कभी इधर जाकर कभी उधर जाकर उसको निहारने लगा। ही मूव्ड अ स्टेप टू द राइट टू लुक एट इट, वो जो है एक स्टेप एक कदम अपना राइट साइड यानी सीधी तरफ लेके जाता और फिर देखता, एंड देन टू द लेफ्ट, और उसके बाद बाईं तरफ जाकर देखता। ही स्टेप बैक टू व्यू हिज वर्क, उसने क्या करा, अपने कदमों को पीछे ले गया अपना काम देखने के लिए। ही कैप्ट स्टेपिंग बैक विदाउट रियलाइजिंग दैट ही वॉज नियरिंग द एज ऑफ अ क्लिफ, और वह अपने कदमों को पीछे बढ़ाता जा रहा था बिना यह जाने हुए कि वो जो है एक क्लिफ कहते हैं चट्टान की, चट्टान के किनारे के पास पहुंच गया था। ऑन द हिल स्लोप अ लिटिल शेफर्ड बॉय वॉज रिटर्निंग होम विद हिज फ्लॉक ऑफ शीप, जो पहाड़ी का स्लोप यानी ढाल था, पहाड़ी के ढलान पर एक छोटा सा शेफर्ड कहते हैं गररिये को, जो भेड़ बकरियाँ चराते हैं उनको, एक छोटा सा गररिया जो लड़का था वो जो है अपनी फ्लॉक ऑफ शीप यानी भेड़ों के झुंड के साथ घर लौट रहा था। ही सॉ दैट द किंग वॉज स्टेपिंग बैक, उसने क्या देखा कि राजा जो है अपने कदमों को पीछे ले जा रहा था, एंड मे फॉल ऑफ द क्लिफ एनी टाइम, और वो किसी भी समय क्या था उस चट्टान से नीचे गिर सकता था। ही रश्ड अप द हिल, वह जल्दी से, रश्ड कहते हैं जल्दी से, वह जल्दी से पहाड़ी के ऊपर गया, एंड टोर ऑफ द ब्यूटीफुल पेंटिंग, और उसने क्या करा उस ब्यूटीफुल सुंदर दृश्य जो पेंटिंग थी उसको फाड़ दिया। सीइंग दिस, यह देखकर द किंग रैन टू द पेंटिंग टू सेव इट, राजा क्या करा उस पेंटिंग को बचाने के लिए भागा। ही स्मैक्ड द बॉय ऑन हिज चीक, स्मैक्ड मीन्स होता चांटा मारना, और उसने उस लड़के के गाल पर चांटा मार दिया। How dare you tear my beautiful painting? तुम मेरी सुंदर पेंटिंग को कैसे फाड़ सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? The king cried in anger. राजा जो है गुस्से में चिल्लाया। Sir, I did it to save your life. श्रीमान, मैंने ऐसा आपके का जीवन बचाने के लिए किया। Turn around and see. पीछे मुड़कर देखिए, पीछे मुड़िए और देखिए। If you had taken even a single step back, then you would have fallen to your death. यदि आप एक भी कदम अपना पीछे बढ़ाते तो आप निश्चय ही नीचे गिरकर मर जाते। At this the king looked back. यह सुनकर राजा ने पीछे देखा, and was shocked, और जो है उसको आघात लगा। Then he thanked the यंग शेफर्ड, और तब उसने क्या करा उस जो यंग शेफर्ड था यानी गररिया था उसको धन्यवाद दिया। ही टुक हिम टू द पैलेस, वह उसको अपने साथ महल ले गए। वेयर ही वॉज टॉट बाय टीचर, जहां उन्होंने उसको अध्यापकों के द्वारा पढ़वाया। एज ही ग्रू अप एज अ यंग मैन, और जैसे ही वो एक व्यक्ति जवान आदमी के रूप में परिवर्तित हुआ, बड़ा हुआ, ही वॉज अपॉइंटेड द चीफ मिनिस्टर, उसने उसको मुख्यमंत्री के तौर पर अपॉइंट कर लिया यानी उसको मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया। ठीक है बेटा, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हर हालत में दूसरों की मदद करनी चाहिए। इस वीडियो का आप ध्यान से सुन लीजिएगा, ओके।